हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ सरिता। आज बात करते हैं अपनी पूजनीय पौधा तुलसी के बारे में। तुलसी की पत्तियाँ हमारे घर के लिए शुभ बहुत होती है, तो इनको कब तोड़ें और कब नहीं तोड़ें, तुलसी मैया को कब तोड़ें कब नहीं तोड़ें, ठीक है? मतलब मैया को नहीं, तुलसी की पत्तियाँ को कब तोड़ें कब नहीं तोड़ें। तो इसको रविवार को आप नहीं तोड़ सकते हैं, और पूर्णिमा तिथि को भी मत तोड़िए, और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़िए, द्वादशी तिथि को, और इसको संध्या के समय भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियाँ को भी, ये जो मंजरी देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये मंजरी को भी आप नहीं तोड़ें। और अगर एकादशी व्रत करते हैं आप, एकादशी का व्रत करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और चढ़ाते हैं तुलसी की पत्तियों को, तो आप 2-3 दिन पहले तोड़ लीजिए। और इसको तोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 5-6 दिन तक इसको बासी नहीं मानते हैं तुलसी की पत्तियों की। कोई कोई भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माला चढ़ाते हैं, तो आप 3-4 दिन पहले भी तोड़ सकते हैं, और एक कपड़े से ढक दें तो ये मुरझाती नहीं है, हमारी चल जाती है। शाम को समय भी नहीं तोड़ना है, सूरज डूबने के बाद भी आपको इसको नहीं तोड़ना है। कभी इमरजेंसी में तोड़ने की बारी आ गई तो आप क्या करेंगे, इस तरह यहाँ से या यहीं सांस से चुटकी बजाएंगे, ऐसे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह चुटकी बजा के तोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि न तोड़ें, और दिन तो आप तोड़ ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।